अब देखिए मेरे रोंगटे देखिए, आप दिखाइए लोगों को, ये रोंगटे तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया पिक्चर होनी चाहिए, बहुत बहुत बढ़िया पिक्चर है, और ऐसे पिक्चर बनाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। पता नहीं, बता नहीं सकते हम शब्दों में, तो इतनी ऐसी पिक्चर बनाना मतलब। कपिल शर्मा को हम लोगों ने ही सेलिब्रिटी बनाया है। गलती है, कायरता है, मैं तो कहती हूँ कि इसका मतलब वो घबरा गए। एक्चुअली इसका मतलब वो घबरा गए कि अगर ऐसी पिक्चर वो प्रमोट करेंगे तो यूथ जाग जाएगा। जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में। फिल्म कैसी लगी सर आपको? बहुत बढ़िया। मूवी वाज ऑसम। इट इज अ टाइट स्लैप टू द गवर्नमेंट हू जस्ट नेवर सॉ दिस ऑन द हिंदू ऑन द जस्ट व्हाट यू कॉल इट कश्मीरी पंडित्स एंड ऑल। दिस मूवी इज सीरियसली आपकी पूरी रूह कांप जाएगी फर्स्ट हाफ में। रियलिस्टिक पे है और इशू क्या है एक्चुअली अभी तो जस्ट जितने भी एक्चुअली हिंदूज को के ऊपर सेक्युलरिज्म थपाया जा गया, लेकिन जो भी कुछ इंडिया में तो जो भी कुछ हो रहा है आज के तारीख में, ये सिक्युलरिज्म की वजह से हो रहा है। हिंदूज नेवर अटैक्ट एनीवन, बट ओवर ईयर जस्ट कश्मीरी पंडित्स के ऊपर जो भी जनोसाइड हुआ है वो पॉलिटिकली उसको तो पॉलिटिक्स किया नहीं, उनका सिर्फ कवर अप किया है फॉर जस्ट कवरिंग द इस्लाम को सिर्फ कवर अप करने के लिए उनको सिर्फ ये कर रहे हैं। You should seriously watch this movie and every Hindu should watch this movie. Sir, कैसी लगी movie? Film कितनी पसंद आई? देखना जरूरी है, movie बहुत अच्छी है, history को जानना बहुत जरूरी है। मैम, आपको film कितना पसंद आया? हाँ जी? Film कितना पसंद आया आपको? Film के बारे में क्या कहेंगे? पसंद नहीं आया ये पूछिए, पसंद ही पसंद है। ऐसी पिक्चर बनाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। हम कितना रोए हैं, विवेक अग्निहोत्री को सलाम, बहुत वंदे मातरम। जब फिल्म देख रही थी आपने वो सारे मोमेंट्स को आपने रिकलेक्ट किया? किया, हमने ऐसे लगा कि ये हमारे ऊपर ही कुछ गोलियां चली हैं। पता नहीं सकते हम शब्दों में, तो इतनी ऐसी पिक्चर बनाना मतलब। हम दोनों ने अपनी आंखें बंद की, कितनी बार हमने अपने चेहरे ढके, कितनी बार हम रोए, मतलब जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। मोदी जी जैसे देशभक्ति चाहिए हर धर्म में, मतलब ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। अब यूथ को आगे आना पड़ेगा सर, ये पिक्चर आपको क्या लगता है, माइंडसेट बदलना पड़ेगा। नहीं, आपको क्या लगता है जब यूथ इस फिल्म को देखेगी तो कितना इंस्पायर होगी? इंस्पायर होंगे क्योंकि उन्होंने किसी रिलीजन के बारे में बाद में, उन्होंने जो सिनेरियो बाद में हुआ ना JNU का, बरखा दत्त, हमने पहले ही बोल दिया ये बरखा दत्त है, हमने पहले ही बोल दिया, ऑडियंस ने पहले ही बोल दिया उनको जैसे ही वो आए। क्या एक्टिंग की है पल्लवी जोशी ने, क्या सच्चाई दिखाई है। मतलब एक दौर था जब मीडिया, देखिए आप देखिए मेरे रोंगटे देखिए, आप दिखाइए लोगों को, ये रोंगटे तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। लास्ट के 10 मिनट हम लोग ने जो देखा, जो इमोशनल था, हार्ट ब्रेकिंग जो लगा, वो बंदे ने जो अपना कृष्णा ने एक्टिंग करी है ना, वो एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, वो कश्मीरी ही कर सकता है। अगर मैं भी मेरे को लगता है मैं कश्मीरी हूँ, ये मतलब मेरे ये रोंगटे आपको बता देंगे कि क्या हमने देखा, मतलब मंजर बहुत भयानक हुआ। जैसा था मैम जो हम जो देख रहे थे पूरी मूवी में, फर्स्ट हाफ जो देख के जैसा जो लग रहा था, रोने का जैसे सीन थे काफी हद तक, जो उसका 20 जो लास्ट को जो किलिंग्स दिखा रहे हैं वो गजब की, वो मतलब कोई नहीं दिखा सकता। डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सब सेंटर कर दिया था। बहुत बढ़िया पिक्चर होनी चाहिए, बहुत बढ़िया पिक्चर है, और ऐसे पिक्चर बनाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, वो जरूरी है। इतिहास माफ नहीं करेगा उस टाइम की सरकार को, जो जिस टाइम इनको हिंदू जो मरने के लिए छोड़ दिए थे अपने देश में बेघर बेघर, और आज भी उनको न्याय नहीं मिला। बस अभी जाके शायद ये कलम हटी, ये जो सरकार जो मौजूदा सरकार है, वो नाम लेना नहीं चाहता हूँ वो सरकार का, लेकिन बहुत इन्होंने बस ज्यादा बोल नहीं। जो तुष्टिकरण की जो राजनीति हुई उससे कितने आहत हो रहे थे आप, और फिल्म देखने के बाद आपको कितना राहत मिला? मुझे बहुत राहत मिला, और ऐसा फिल्म आनी चाहिए, ये सच्चाई है, ये फिल्म नहीं है, ये सच्चाई है। ये लोगों के सामने जो उस टाइम सच्चाई छुपाई थी, आज ये सच्चाई उजागर हुई। ओके, कितने स्टार देंगे 5 में से? 5 में से 5 स्टार। आप लोगों क्या कहना चाहेंगे, लोग ये फिल्म क्यों देखें, खास तौर पर युवा? खास करके युवा को, जो अभी जो JNU में चल रहा है, जो हमारे युवा जो जाते हैं, आज वो JNU का ही बताया है इसमें, वहाँ पे क्या चल रहा है आज, वो जो बताया है आज, वो आज जो ये जो JNU का जो बताया है आज, बस ये मैं युवा लोग को ये बोलना चाहता हूँ, एक बार ये फिल्म देखें। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में?
सर ये फिल्म बहुत बेहतरीन बनाई है, और सच बोलूं तो ये फिल्म इसे नहीं कह सकते हैं, इसको पब्लिक को दिखाने के लिए बताया गया, लेकिन ये जो हकीकत में हुआ है ये वही सब दिखाया गया है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये जो दिल्ली में जो JNU में जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं बोलता हूँ वो कैटेगरी देख के उनको फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए, उनको जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है उनको दो, ये जो देशद्रोही लोग हैं जो वहाँ पे पल रहे हैं उन सबको कॉलेज से निकाल देना चाहिए। जो देश हमारे ही देश का खाओ, हमारे पब्लिक के टैक्स में से खाओ और हमारे देशद्रोही की बातें करो, ये एकदम गलत है। आज की मोदी सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है, ये अगर उस टाइम होती तो शायद ये सब नहीं होता। अभी देखो मोदी जी ने 370 हटा दिया, ऐसी सरकार उस टाइम होती तो शायद इतने पंडितों का नरसंहार नहीं होता। उस टाइम की गवर्नमेंट ने, उस टाइम की सरकार ने कुछ हेल्प नहीं की, सबकी फर्क किसी की नहीं सुनी। मैं तो बोलता हूँ इसको मोदी सरकार ने टैक्स फ्री करना चाहिए। और आपने टैक्स फ्री वाली बात की, उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म टैक्स फ्री हो जाए, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले फिल्म को काफ़ी अड़चने भी आ रही थी। हमने तो ये भी सुना कि कुछ लोगों ने केस फाइल किया, और हमने ये भी सुना कपिल शर्मा शो के जो होस्ट है उन्होंने इस फिल्म को प्रमोट करने से इनकार कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे पर्सनली? सर कपिल शर्मा को हम लोगों ने ही सेलिब्रिटी बनाया है, और हम लोगों ने उसको, वो अभी सिर्फ कमाई के पीछे लगा हुआ है। वो देश गद्दार मुझे बोलते ना, इनडायरेक्टली हम गद्दार उसको बोल सकते हैं जो अनाज देश का खाते हैं, और देश की तारीफ करने, देश की जो हकीकत हिस्ट्री है पब्लिक तक पहुंचे उसको प्रमोट करने में वो साथ नहीं देते जी। तो वो एकदम गलत है। ऐसे लोगों को तो मैं क्या बोलूँ, मेरी भाषा में अगर नॉर्मल आम आदमी की भाषा में तो देशद्रोही बोलना चाहिए, क्योंकि वो हकीकत को प्रमोट करने के बदले दूसरे जो लोगों का साथ देते हैं कि जो एंटी सोशल है या एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो देशद्रोही की बातें करेंगे, देश को तोड़ने की बातें करेंगे उनको प्रमोट करेंगे, लेकिन जो देशभक्ति की पिक्चर है जो ऐसी जो हकीकत बयान करते हैं वो उनको प्रमोट नहीं करते। थैंक यू। ये भी सवाल करना चाहूँगा कि फिल्म रिलीज होने से पहले फिल्म के सामने काफ़ी अड़चने आई, फिल्म के सामने केसेस फाइल हुए, और साथ ही साथ इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए द कपिल शर्मा शो के जो होस्ट है उन्होंने मना कर दिया। तो इस पूरे इंसिडेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो वो भी पॉलिटिकल है जो कपिल शर्मा ने मना किया, मुझे ऐसे लगता है। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मैंने ये निश्चय किया कि मैं कपिल शर्मा का शो नहीं देखूंगी। मैं दिल से बता रही हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे अपने दोस्त हैं सभी धर्मों के, मेरे बच्चों के दोस्त हैं, हो सकता है उनके लाइफ पार्टनर भी ऐसे दोस्त हों, लेकिन मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। यूथ को बदलना पड़ेगा। कपिल शर्मा ने गलत किया, एक्चुअली कपिल शर्मा ने नहीं किया, जो उनके प्रोड्यूसर होंगे या कुछ उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, उनको मना नहीं करना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ी उनकी गलती है, कायरता है। मैं तो कहती हूँ कि इसका मतलब वो घबरा गए, एक्चुअली इसका मतलब वो घबरा गए कि अगर ऐसी पिक्चर वो प्रमोट करेंगे तो यूथ जाग जाएगा। यूथ कोई भी धर्म का हो, यूथ जाग गया तो फिर देश बदलेगा। देश को बदलने देना नहीं है, क्योंकि पीछे बहुत पॉलिटिकल उनका हाथ है, दूसरी और पार्टीज का। वो देश को, उनको तो, वो तो एंटी मोदी हैं, एक्चुअली एंटी मोदी हैं। विवेक अग्निहोत्री ने ऐसी पिक्चर बना के जो कमाल किया है, क्या एक्टर डायरेक्टर सब कुछ, वो कोई नहीं कर सकता। सच्चाई दिखाई है, मतलब कोई कमी नहीं है। ये देखिए अभी फिर से मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, बार बार रोंगटे खड़े होते हैं। मेरे पास बातें कम टाइम, मतलब मेरे पास क्या है, मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता, मेरे इमोशंस इतने अंदर इकट्ठे हो रहे हैं ना, मेरी सहेली के मेरे, हम कितना रोए हैं, कितने हमने आंखों के ऊपर अपने कपड़ा ढका है, और कितना हम बता नहीं सकते। हमें लग रहा था हम ही कश्मीरी हैं क्या, क्योंकि हम हैं कश्मीरी, हम ही कश्मीरी हैं, ऐसे लगता है क्या। एक एक चीज़ को दिखाया, हाँ कश्मीरी नहीं कह सकती, मतलब कश्मीरियों का दर्द हमारा दर्द है। मुझे अभी पता नहीं चल रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। जो कश्मीरियों का दर्द है वो हमारा दर्द है, हम भारतीय हैं। कश्मीर एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर काफी फिल्में बनी है। नहीं, ये फिल्म आपने देखा तो लगा कि हाँ सच में ये सही पिक्चर है। वो तो लव इन टोक्यो, लव इन कश्मीर, ये कुछ भी बना दो रोमांटिक पिक्चर नहीं, असली पिक्चर। हाल ही में एक शिकारा फिल्म भी आई, शिकारा भी। मैंने अपनी सहेली को बताया कि तूने शिकारा देखी क्या, जिसमें कपूर है, वो रंग दे बसंती वाला, क्या नाम था, कुणाल कपूर ने, दूसरे एक्टर हैं क्या वो लंबे से, जो भी है शिकारा, लेकिन मैंने देखी है। तो मैंने कहा शिकारा की याद दिला दी इस पिक्चर ने, लेकिन इस पिक्चर ने तो मतलब आंखें खोल दी। सभी को बदलना पड़ेगा, यूथ को बदलना पड़ेगा। थैंक यू, यूथ को बदलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। द कश्मीर फाइल्स आपने देखा, एक बहुत ही बड़ा एक्सोडस हुआ था, लेकिन उसकी जो कहानी है आज तक बड़े पर्दे पर सच्चाई के साथ या ईमानदारी के साथ पेश नहीं की गई। इस फिल्म की काफ़ी तारीफ हो रही है, आपने भी फिल्म देखा है, आपको कितना पसंद आया? बहुत ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज एक बोल्ड डिसीजन है। हम जो कहते हैं हमारे देश में सेकुलरिज्म, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए एंड ऑल, यू नो, लाइक एक चीज़ में पर इस मूवी के साथ मेरा खराब लगा कि लाइक इसको थिएटर्स बहुत कम मिले। आई बिलीव, मैं खुद ढूंढ रहा था, सो आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट। इसको एक स्पेसिफिक शो दिया है, आई बिलीव ये थिएटर्स में और रिलीज होना चाहिए, ताकि जो सच्चाई हो सबको पता चले।
विवेक अग्निहोत्री जो पहले फिल्म रस्किन बॉन्ड में लाई थी वो बहुत अच्छी थी एंड ये जो है इस कंपेरेटिवली लाइक इट्स मोर बेटर। हमने क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या देखी कि जो रियलिटी लोग फेस कर रहे हैं लाइक व्हाट वी आर फेसिंग इज नथिंग व्हाट कश्मीरी पंडित इज फेसिंग। लाइक अभी मैं अपने घर पे जा सकता हूँ लेकिन वहाँ पे कश्मीर में ऐसा नहीं है कि बोलते हैं ना अपने घर पे जाए या कहाँ कब्र में जाए। सो नो आइडिया अबाउट दैट व्हाट यू नो व्हाट कैन हैपन ओवर देयर। सो इस मूवी में बहुत अच्छे से एडिट किया है, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, बहुत अच्छे से बताया कि मतलब हुआ क्या था लाइक बींग लाइक फियरलेस होके विवेक अग्निहोत्री जो बताया है वो बहुत सही लगा मुझे इसमें। हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5? 5 stars is very less for this movie. I believe that it's more than that. And मैं चाहता हूँ कि लोग आके देखें यहाँ पे। हम जो नैरेटिव सुनते हैं इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे हम एक मतलब किसने कहा उसको हम सुन रहे हैं बट जिसने रियलिटी जिया हम उसके पास से नहीं सुनते। सो दिस मूवी इज ऑल अबाउट द पीपल हु आर टेलिंग द ट्रूथ अबाउट देम सेल्फ। थैंक यू सर। या थैंक यू जी। आपने कश्मीर फाइल्स देखा, आपको कितना पसंद आया? मतलब बहुत दुख हुआ पिक्चर देखे कि ऐसा जब रियलिटी में हुआ तो बहुत दुख हुआ। मैं पसंद ना पसंद नहीं, बस ये जो हमने रियलिटी देखा है जी। आपने एक रियलिटी देखा, आप जब फिल्म देख रहे थे आपने कुछ अंदर से महसूस किया होगा कि जो असली जो वहाँ के जो नागरिक थे जिनको घर से बेघर कर दिया गया उनके दर्द को या फिर उनकी सांत्वना में आप डूब गए उनके लिए? हाँ उनके लिए तो बहुत दुख है। जैसा भी समझो किसी को अपने घर से निकाल दिया जाता है, जब हमको अपने घर से निकाल दिया तो कैसा चले, एक इंसान के नाम पे सोचिए कितना दुख भरा है। आज के दौर में क्या होता है सर, कोई भी छोटा से छोटा इंसिडेंट हो जाता है या फिर पास्ट में भी कई ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं तो उसको लेकर काफ़ी आप देखेंगे कि सड़कों पर लोग आ जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं, लोगों को पता भी नहीं है। इसके बारे में आप पर्सनली एज ए नागरिक क्या कहेंगे? पर्सनली इसमें ऐसा है कि नहीं, वो टाइम मीडिया थोड़ा कमज़ोर था, सोशल मीडिया का एक्चुअली इतना प्रभाव नहीं था जो आज है। आज हर किसी के पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, एक सेकंड में पूरी न्यूज़ खुल जाती है। वो टाइम तो फेसबुक भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, इनफैक्ट मोबाइल भी नहीं था। इस वजह से ये सब न्यूज़ बच गई है। ये बात चलिए आपने मीडिया कमज़ोर है बात सही है, लेकिन पास में ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हुआ है, लेकिन इस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर नहीं हुआ। लेकिन आप मानते हैं कि फिल्म देखने के बाद काफ़ी जागरूकता फैलेगी? जागरूकता और ये सच्चाई पता चलेगा कि ऐसा हुआ है करके। और हम तो यही चाहेंगे कि कश्मीर पंडित अपने घर पर जाएँ, खुशी से रहें और हिंदुस्तान में फिर ऐसा कभी ना हो, किसी के साथ कोई भी बेघर ना हो, नरसंहार ना हो। सबसे अच्छी एक्टिंग किसको किसकी? मैं एक्टिंग तो इसमें हम लोग एक्टिंग और उसका बात कर ही नहीं सकते, ये सब भाई एक जैसा रहा कि एक रियल स्टोरी देख के आ रहे हैं, उसमें एक्टिंग का बात ही नहीं कर। इसमें ये पूरे पिक्चर में एक्टिंग था ही नहीं, जो हो रहा था रियलिटी हो रहा था, एक्टिंग तो था ही नहीं। दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सर। थैंक यू।